कवर की दिशा में। इस बीच अच्छी गेंद और उतनी सुंदर फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी द्वारा देखने मिली। सलामी की जोड़ी लाल और महेश पहली ओवर कर रहे हैं यहाँ पर। दीपक इंद्रजीत की ओर से साइलेक्स टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इस बीच फिर से एक बार ओवर द विकेट दीपक तैयार। इस बीच बैकफुट पर आकर स्क्वेयर कट के माध्यम से खेल दिया है गली की दिशा में खिलाड़ी आते हुए। इस बीच एक ही रन मिलेगा। इसे एक रन से व्यक्तिगत अपना खाता खोला और पहली गेंद पर वाइड आई थी उसी कारण स्कोर हुआ है 2 रन। 2 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है। पहली ओवर दीपक इंद्रजीत की ओर से डालते हुए दीपक 12th मैन की भूमिका में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे नवीन शेट्टी इंद्रजीत द्वारा। बस स्ट्राइक पर महेश सावंत और लाले की ये जोड़ी। फिर से एक बार दीपक ओवर द विकेट तैयार। इस बीच फिर से एक बार हल्के हाथों से बैकफुट पर आकर कट कर दिया। खुद योगेश गेंद के पास गए। इस बीच इस गेंद पर भी एक ही रन मिलेगा। जोगिंदर सर काफी सदी हुई शुरुआत यहाँ पर सालिक द्वारा दिखाई दे रही है क्योंकि दीपक एक अच्छे गेंदबाजी जीने के लिए यहाँ पर इंद्रजीत की टीम रुकी हुई थी। अभी अभी नवीन ने बताया कि सुबह ही 5 बजे वो फ्लाइट से उतरे हैं। इस बीच फिर से एक बार बैकफुट पर आकर डीप पॉइंट की दिशा में खेल दिया। वहां पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे इस बीच एक ही रन मिलेगा। नवीन शेट्टी जो इंद्रजीत के 12वें खिलाड़ी के रूप में हमें दिखाई दे रहे जिन्होंने कुछ सालों पहले छाप छोड़ी थी इस फातिमा ग्राउंड पर। जब भी उनके बल्ले से गेंद निकलती सीधा श्मशान भूमि में जाती थी। इस बार हल्के हाथों से स्कूप के माध्यम से ऑन साइड की दिशा में खेल लिया यहाँ पर। इस बीच एक ही रन मिलेगा। साइलेक्स और इंद्रजीत के बीच चलता हुआ ये दूसरा मुकाबला आज का। जो कि सर आज भी हमें 12 टीमें देखने मिलेगी। अमरनाथ की कल हमने देखा 12 का पोल जिसमें हैमिल्टन ने ब्लू स्टार के एक रोमांचकारक मुकाबले में जीत दिलाई। इस बार फिर से एक बार हल्के हाथों से खेल दिया डीप पॉइंट की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करके उसे थ्रो करेंगे। काफी खराब रनिंग बिटवीन द विकेट का नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर साइलेक्स के माध्यम से। जहां पर 2 रन हो सकते वहां पर प्रयास नहीं किया जा रहा। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल खत्म हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है यहाँ पर 6 रन। जी बिल्कुल जोगिंदर सर, कल हमने देखा 3 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी। अमित तिवारी ने आके छक्का जड़ा, उसके बाद 2 गेंदों में 1 रन की जरूरत थी। मगर अनुभव होने के साथ भी इतनी खराब बल्लेबाजी का नजारा हमने देखा। जब 12 गेंदों में 1 रन की जरूरत होना, सिंगल डबल से भी वो मुकाबला जीत सकते थे, मगर हर बल्लेबाज आकर चौके छक्के मारने का प्रयास कर रहा था कल। योगेश आपने देखा रहेगा कि प्रेशर किसे कहा जाता है। कि मैं जब यहाँ पर बाजू में बैठा था तो वो पवेलियन में यहीं पर टीम थी ब्लू स्टार, तो जब कप्तान बोल रहे थे कि भाई आप जाओ तो वहाँ पर प्रदीप जैसे प्लेयर, नैनू जैसे प्लेयर मना कर रहे थे कि मैं नहीं जाता हूँ, आप जाइए। तो जब प्रदीप गए वहाँ पर तो उनके पैर फूल गए और आखिरी गेंद पर उन्होंने अपना क्रीज छोड़ दिया और रन आउट हो गए और विकेट के माध्यम से वहाँ पर हैमिल्टन बॉयज जीत गए। इस बीच फुल टॉस गेंद यहाँ पर अशोक की उठाकर खेल दिया यहाँ पर ऑन साइड की दिशा में। खिलाड़ी जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे इस बीच एक ही रन मिलेगा। गेंदबाज अशोक माली ओवर द विकेट तैयार। फिर से एक बार 7 रन हुए हैं यहाँ पर। इंद्रजीत की अच्छी सदी हुई शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी। जोगिंदर सर ये समीर पवार बैठे हुए हैं, वो 100 साल के हो गए हो। ये समीर पवार बाजू में बैठे हुए हैं, 100 साल के होने के बावजूद अभी तक क्रिकेट का लगाव उनका जान नहीं रहा। आज भी क्रीज पे उतरेंगे, जैसे महेश अभी वहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं और आउट हो गए वहाँ पर महेश, पहला विकेट। जी बिल्कुल, पर सफलता प्राप्त हुई। अशोक को आसान सा कैच लपका वहाँ पर मिड विकेट के खिलाड़ी आसिफ ने, एक अच्छा कैच। नए बल्लेबाज आए हैं कुमार। अशोक ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार
एज बेच फिर से एक बार ओवर पेज गेंद दी खेल दिया है डी बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में खिलाड़ी जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे। इस बीच फिर से एक बार एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जहाँ तक नवीन सर इस इनिंग की बात की जाए तो केवल सिंगल्स पर निर्भर है। अभी तक दुक्का ना एक तिक्का ना एक चौका और छक्का अभी तक इस इनिंग में हमने देखा नहीं है, तो काफी संत शुरुआत यहाँ पर कछुए के चाल से यहाँ पर चलती हुई साइलेक्स की ये टीम। मगर उसने प्रशंसा की जाए यहाँ पर इंद्रजीत की गेंदबाजों की। इस बीच अच्छी गेंद उछाल लेकर सीधा कीपर के दस्तानों, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी काफी रफ्तार से डाली हुई गेंद थी। यहाँ पर चिपाल एक्सप्रेस वे नाम से जाने जाते हैं गेंदबाज अशोक माली, जिन्होंने काफी अच्छी गेंद की। गेंद गिरने के बाद उनको उछाल प्राप्त हुआ, बल्लेबाज को बीट की, सीधा कीपर के दस्तानों में गए। अच्छी गेंदबाजी का नजारा फिर से एक बार अशोक, इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, इस बार उठाकर खेल लिया वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में दो खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते हुए, मगर उतनी ही अच्छी थ्रो और इस बार आसानी से दो रन पूरे किए। और मैंने पहले कहा था इस इनिंग का पहला दुक्का यहाँ पर लाल्या, जो कि शरीर अष्ट्रे से भारी भक्कम होने के कारण उन्हें रनिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मगर इस दफा लाल्या ने ज्यादा एफर्ट दिखाया। लाल्या ने इस दफा दो रन प्राप्त किए और नवीन शेट्टी को भी उसी के कारण जरा उनकी फिटनेस में थोड़ी ज्यादा हो गई है, उनकी काफी तबियत में भारी भक्कम होने के कारण उन्हें बार बार खिलाड़ी आज बनाया गया है। नवीन शेट्टी का गेम देखने के लिए आज हम आए थे, मगर थोड़ी सी निराशा हमारे चेहरे पर। हमने कल भी उल्लेख किया था कि काफी अच्छे बल्लेबाज है, जिनके बल्लेबाज की स्टाइल सौरव गांगुली की तरह है, उन्हें इंद्रजीत ने छुपा दिया। इसमें अच्छी गेंद उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर, छक्का। और यहाँ पर अच्छा कैच, जिन्होंने कैच पकड़ा है ग्राउंड के बाहर उनसे निवेदन है कि आप मंच पर आकर अपना इनाम ले जाए, जिन्होंने छक्के के बाहर कैच पकड़ा है। स्कोर हुआ है यहाँ पर इस छक्के की मदद से 16 रन, दो ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, नाना 11 के खिलाड़ी है सहयोग, जिन्होंने ये कैच लपका है, जिन्हें यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर काफी अच्छा कैच, उन्होंने मैदान में भी अच्छी फील्डिंग की थी मगर मैदान के बाहर भी चुस्त थे, हमारे बॉल बॉयज के रूप में उन्होंने काम किया, हमारी गेंद गटर में जाने से बचाए और अच्छा कैच लपका, इसीलिए सुयोग को हमारे कमेटी के माध्यम से यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। काफी चेहरे पर खुशी है सुयोग के, यही कैच अगर वो स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल चषक में पकड़ते तो उन्हें 5,000 रुपये का भी इनाम मिल सकता था। नए गेंदबाज है योगेश, योगेश माली, अशोक माली के बंधु, दो सगे भाई जहाँ तक हमने बात की ऑस्ट्रेलिया में डेविड असी, माइका सी इंडिया में पठान ब्रदर्स, पंड्या ब्रदर्स जिस तरह से खेलते उसी तरह यहाँ पर इंद्रजीत में भी माली ब्रदर्स यहाँ पर खेलते। टी शर्ट और 500 रुपये का इनाम यहाँ पर दिया जा रहा है, तो सुयोग के लिए जरा जोरदार ताले हो जाए जिनके चेहरे पर काफी खुशी। इस बीच फुल टॉस गेंद, मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, अशोक गेंद के नीचे आते हुए कैच छूटी और दो रन प्राप्त किए। हालांकि 500 रुपये का इनाम, आज संडे उनका फंडे मनाया जाएगा, 500 रुपये का इनाम, टी शर्ट। इस बीच कैच का मौका था अशोक के लिए मगर कैच छूटा। इस बीच अच्छी गेंद इनसाइड एज, बल्लेबाज लाले आउट। मी विनंती करेल जे अतिथि जे तिथे उभे त्यांना विनंती की आपण मैदानाच्या बाहेर व्हायचंय, सहकार्य करायचं, आपण ग्राउंडच्या मध्ये आहोत, इथे खुर्च्या ठेवल्या आहेत, आपण इथे येऊन आसनस्थ होऊ शकतात, आपलं सुद्धा स्वागत आहे। जोगिंदर सर जो कैच छोड़ा था अशोक माली ने उसके बाद फिर से एक बार खेलना चाहते थे उठाकर, मगर बल्ले का भारी किनार लगकर कीपर के दस्ताने में, कीपर का नाम यहाँ पर हम बताना चाहेंगे। दिवाकर जिन्होंने कैच पकड़ा, अनु, हालांकि 12th मैन ऐसा भेजे जिसे खिलाड़ियों के नाम पता हो। नवीन शेट्टी को टीम से बाहर रखा गया है क्योंकि उन्हें क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के जब राउंड होंगे तब खिलाया जाएगा, क्योंकि कुछ स्पेशल प्लेयर्स होते हैं जो छुपा कर रखे जाते हैं।
इस बीच बैकफुट पर आकर उठाकर खेलना चाहते थे मगर फिर से एक बार बल्लेबाज को बीट करने में कामयाब। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक देखी है हमने तीनों ही गेंदबाजों द्वारा। योगेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बीच जड़ में डाली हुई गेंद, काफी अच्छी गेंद, जोरदार अपील, डायरेक्ट हिट मारने का प्रयास था यहाँ पर दिवाकर द्वारा, मगर लेग बाइस के रूप में यहाँ पर एक रन मिला। इसी के साथ यहाँ पर बढ़ता हुआ स्कोर हुआ है 19 रन। अभी भी इस ओवर की दो गेंदें आनी शेष। दिनेश काफ़ी अच्छी सदी हुई गेंदबाजी नवीन अब तक देखने मिली है। चार गेंदों पर केवल तीन रन खर्च के और एक बल्लेबाज को आउट करने में उन्हें सफलता मिली है। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, इस भी शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेल दिया है। इस बार मौका होगा अशोक के लिए और इस बार भी कैच छूटा, लगातार दूसरा कैच, खराब फील्डिंग का नजारा। क्रिकेट का मूल मंत्र है जोगिंदर सर के, पकड़ो कैच जीतो मैच। अगर इस बल्लेबाज का, कुमार जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ेंगे तो काफी हानि पहुंचाएंगे बल्लेबाज, जिन्होंने काफी अच्छा छक्का जड़ा था उन्होंने लॉन्ग ऑफ रीजन में। वही बल्लेबाज का कैच छोड़ना इन्हें आने वाले समय में काफी घातक यहाँ पर रह सकता है। फिर से एक बार योगेश अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार, इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज कुमार और सुनील की जोड़ी। इस बीच फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी मगर ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इसी अतिरिक्त रन के साथ यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। स्कोर काफी तेजी से बढ़ रहा है, हमने पहली दो ओवरों में 16 रन देखे थे, उसके बाद काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली है यहाँ पर कुमार और सुनील द्वारा। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत भी यहाँ पर सैलेक्स टीम को। इस बीच फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, इन साइड आउट के माध्यम से गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में। खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते हुए आसानी से गेंद को उठाया मगर दो रन ना रोक पाए। इसी के साथ तीन ओवर का खेल खत्म हो चुका है। तीन ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 24 रन, लगभग 8 की औसत से यहाँ पर साइलेक्स की पारी आगे चल रही है। अभी भी इस इनिंग की आखिरी ओवर आनी शेष। नवीन सर जहाँ तक बात की जाए, आपने अभी अभी बताया कि इंद्रजीत की बल्लेबाजी इतनी स्ट्रांग है कि 40 रन भी अगर साइलेक्स बना लेती है तो वो आसानी से इस लक्ष्य का पीछा कर लेंगे। नए गेंदबाज हुसैन, इस बीच हाफ ट्रैकर गेंद उठाकर खेल दिया है मिड विकेट के दिशा में, मौका हो सकता है यहाँ पर, इस बार चूक नहीं, अच्छा कैच वहां पर खिलाड़ी योगेश द्वारा। यहाँ पर योगेश वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे डीप मिड विकेट के दिशा में, गेंद को देखा, जज किया और आसान सा कैच यहाँ पर पकड़ा यहाँ पर योगेश ने। योगेश के ये अंटस टीम है, सभी सर्विस वाले बॉयज है इनमें, अभी सब सीनियर हो गए, सर्विस पर है तो जब ऐसा कभी मौका मिलता है खासकर इस बार तो अच्छा शॉट, फिर से एक बार उठाकर खेल दिया है, इस बार गेंद जाती थी वाइल्ड स्टॉन्ग ऑन की दिशा में चार रनों के लिए। काफी खराब फील्डिंग,
जहां पर एक रन होना था वहां पर चौका छोड़ा है वहां पर खिलाड़ी जिन्होंने मिसफील्डिंग की है। इंद्रजीत के खिलाड़ी द्वारा काफी खराब फील्डिंग का नजारा अब तक इस मुकाबले में देखने मिला है। इस बीच आगे आकर उठाकर खेलना चाहते थे वहां पर थोड़ी सी दिवाकर से मिसफील्डिंग हुई, 22 के रूप में एक रन मिला। इसके साथ का स्कोर काफी तेजी से बढ़ता हुआ 33 रन। अभी 20 ओवर की दो गेंद यानी शेष की ओवर की जहां तक बात की जाए तो हुसैन ने अब तक 9 रन खर्च किए। इस बीच फुल टॉस गेंद उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर, इस बार अच्छी फील्डिंग का नजारा। अरे यहां पर एक विकेट। जतिन 11 और मोरोली टीम के कप्तान, दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन है टॉस के लिए आ जाए। जतिन 11 और मोरोली, जतिन के कप्तान और मोरोली 11 के कप्तान, दोनों टीमों से निवेदन है कि टॉस के लिए आए। जतिन 11 मोरोली 11 टॉस के लिए आए कैप्टन्स। कैप्टन ऑफ जतिन 11 कैप्टन ऑफ मोरोली आपसे निवेदन है कि आप टॉस के लिए आ जाएं। आखिरी इनिंग की आखिरी गेंद आनी शेष है तो ये गेंद होने के बाद आपको टॉस के लिए आना है। एक नियमबद्ध तरीके से एक समय पे इस टूर्नामेंट का आयोजन, काफ़ी अच्छा आयोजन हमने काफ़ी सालों बाद अंबरनाथ में देखा है। पाटली चषक के बाद यही टूर्नामेंट है जो समय पे मुकाबले खिला रही है और समय पे ही मुकाबले खत्म हो रहे हैं। इस बीच ब्लॉक होल में डाली गेंद को उठाकर खेल दिया हेलीकॉप्टर शॉट के माध्यम से आसिफ वहाँ पर आते हुए गेंद पर, और यहाँ पर खराब फील्डिंग। नवीन के चेहरे पर यहाँ पर मायूसी छाई हुई, नवीन काफ़ी नाखुश और ये चौका छूटा। इसके साथ 4 ओवरों का खेल खत्म। कप्तान, दोनों ही टीमों के कप्तानों से निवेदन है कि वो टॉस के लिए जाए। जतिन और मोरवली टीम के कप्तान, टॉस का समय हो चुका है। कैप्टन ऑफ जतिन, कैप्टन ऑफ मोरवली टीम। कैप्टन ऑफ जतिन, कैप्टन ऑफ मोरवली दोनों संघाच्या कर्णधाराने मी जतिन के कप्तान और मोरोली टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। यहाँ पर 39 रनों का लक्ष्य दिया है यहाँ पर इंद्रजीत टीम को जी। बिल्कुल डॉक्टर कुमार एनएमआरएल की तरफ से यहाँ पर अगर कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर इंजर्ड होता है, दुखापत ग्रस्त होता है तो उन्हें एनएमआरएल की ओर से डॉक्टर कुमार यहाँ पर आए हैं। कल हमने भी उनकी सेवा ली थी जब हम मैदान के बीच जब खेल रहे थे, हम इंजर्ड हुए थे। डॉक्टर कुमार ने, जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर है एनएमआरएल के, जिनकी ओर से यहाँ पर सुविधा उपलब्ध की है। जतिन 11 के कप्तान और मोरवली टीम के कप्तान, मैं विनती करूंगा कि जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए और अपनी टी शर्ट्स भी कैरी करें। मोरवली टीम के कप्तान जतिन 11 के कप्तान हमारी ओर यहाँ पर रुखसत करते हुए, जतिन 11 के कप्तान पुष्कर खुशकर मोरोली के कप्तान, मोरोली बॉयज उनतालीस रनों का लक्ष्य, 39 रनों का जो
39 रनों का लक्ष्य रखा गया है पहले बल्लेबाजी करते हुए साइलेक्स ने, और अब इंद्रजीत को 39 रन बनाने हैं। सरफराज और अशोक को जिम्मेदारी दी गई है ओपनिंग की बल्लेबाजी की। सरफराज एक बड़ा नाम है, ब्रांड है। अशोक, सरफराज और अशोक ये दो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर पे, अशोक स्ट्राइक पर। कौन जीता? मोरोली, मोरोली 11 के कप्तान, मोरोली टीम। टॉच करेंगे तो देंगे मोरोली। हाँ, अभी 39 रनों का लक्ष्य। सरफराज है स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकर पे है अशोक। पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाज सुनील, छोटे रन अप के साथ गेंदबाजी करते हैं सुनील, और सरफराज है वहाँ पर स्ट्राइक पर। 39 रनों का लक्ष्य। अगर ये मैच जतिन यहाँ पर जीतता है तो नवीन शेट्टी के तरफ से एक पूजा फ्री, ऐसा उन्होंने घोषित किया है। अच्छा, इंद्रजीत अगर जीतती है तो नवीन शेट्टी ने यहाँ पर 1000 रुपये जमा किया है, वो इंद्रजीत को दिए जाएंगे। एक प्रेरणा देना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं अपने बॉयज को। अब अशोक है स्ट्राइक पर, अशोक जो के शरीर यष्टि से हम एक जमाने से उन्हें देख रहे हैं कि वो उसी प्रकार से है, आज भी वही फिटनेस रखा है उन्होंने। यॉर्कर लेन की गेंद थी, अपने से दूर ढकेल दिया, एक रन आसानी से पूरा कर लिया। बेहतरीन तरीके की शुरुआत मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि 24 गेंदों में अगर 39 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है तो संयम से बल्लेबाजी करनी जरूरी है। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है। सरफराज अब स्ट्राइक पर है, गेंदबाज सुनील फिर एक बार टायर, सामना करेंगे सरफराज। इस बार ये कैच हो सकता है कीपर के लिए, मगर वहाँ पर कैच नहीं कर पाए, मगर एक रन जरूर मिला। हालांकि बल्ले पे ठीक से नहीं आई, कभी नवीन खेला करते थे इंद्रजीत के लिए तो ऐसी गेंदों के लिए वो तरसा करते थे कि मुझे जब ऐसी गेंद मिले, तो वो ज़्यादातर मस्जिद में पूरी ताकत से मारते थे मगर दो ही रन लेते थे, क्योंकि यहाँ पर अंदर जाने के बाद दो ही रन मिलते हैं। ऐसे दो दो रन से कई रन उन्होंने अपने टीम के लिए बनाए हैं, इसीलिए आज वो बाहर बैठे हुए हैं 12th मैन की भूमिका में। नवीन हमारे मित्र है, क्योंकि उनके रन इतने हो गए कि इंद्रजीत ने बताया कि भाई आप रेस्ट कीजिए, सेमीफाइनल क्वार्टर में आपको आगे लिया जाएगा। बहुत अच्छा प्लेसमेंट, सिंगल, सूझबूझ की पारी अशोक, और ये हमारे सीनियर्स सभी यहाँ पर उपस्थित, पद्माकर दिगे जी जो के नगर सेवक भी है अंबरनाथ नगर परिषद के, और उनके जो परम मित्र है वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी का अभिवादन करते हैं अंबरनाथ के जूने खिलाड़ी, सम्माननीय अतिथिगण, ये सभी सीनियर प्लेयर्स हैं अंबरनाथ शहर के। उनका भी यहाँ पर जो मान सम्मान, और उनके लिए जो क्रांतिवीर ने योजना बनाई है कि 100 ऐसे जो सीनियर प्लेयर है उन्हें सम्मानित किया जाएगा इस टूर्नामेंट में। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 5 रन, एक धीमी शुरुआत जरूर हुई है। मोरवली संघाचे कर्णधार नाणेफेक साठी कॅप्टन ऑफ मोरवली, शेवटचा कॉल आहे आपल्याला मोरवली संघाचे संघनायक। मैं आपको बता दूं, कल प्रिंस टीम नहीं अवेलेबल हुई थी तो उन्हें पेनल्टी दी गई मोरोली ने। तो हेलो संघनायक, आपल्यास विनंती की आपण लवकर लवकर असे आले तर आपल्याला धावांची पेनल्टी दिली जाईल। सुरेंद्र जाधव वॉटर सप्लाई के हमारे अधिकारी वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बढ़िया तरीके से
ये जो आए हुए हमारे अतिथिगण हैं उनका वहाँ पर मंच पे सम्मान होगा। और इस बार फुल टॉस गेम टाइमिंग ठीक से नहीं कर पाए, मगर नो बॉल भी करार दिए एम्पायर ने वहाँ पर हमारे कल्याण से आए हुए माननीय सर, उन्होंने यहाँ पर। और फ्री हिट भी है, एक सुंदर मौका है अशोक के लिए, क्योंकि अशोक एक अगर यहाँ पर सरफराज होते तो लेफ्ट हैंड होने का काफ़ी शायद फायदा मिल सकता था, मगर अशोक है वो भी एक आक्रमण करना जानते हैं, कोशिश जरूर की थी, नो बॉल का उतना फायदा नहीं उठा पाए, हालांकि लो फुल टॉस गेंद थी। मुरली मुरली ना टॉस भी कर लो ना। और ये हल्का सा कट लगा वहां पर, आउट होने वाले बल्लेबाज सरफराज, पहला झटका लगा यहाँ पर इंद्रजीत टीम को, स्कोर हुआ है 8 रन। और यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, टॉच किया जा रहा है मोरोली वर्सेस जतिन 11 का, टॉच काफी नीचे चला गया, वहां भरत गए हैं देखने के लिए, हेड आया है, यहाँ डिसीजन जगह पे देना है, जतिन ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है टॉस जीत करके, और मोरोली को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। विकास विकास आए हैं, ओह बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल लिया, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाज नितिन, बढ़िया गेंद, बढ़िया तरीके से गेंदबाज कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर फिर एक बार उठा दिया है, कैच हो सकता है। और ये पहला चौका इंद्रजीत की ओर से, बल्लेबाज पाहुणे म्हणून आज श्री कर्णिक सावरकर साहेब, रत्नाकर, श्री सुहास, सुरेश, महेश, सुदान आणि संदीप हे सर्व प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत। त्यांचे क्रांतीवीर क्रीडा मंडळाच्या तर्फे हार्दिक स्वागत। आणि हे सर्व अंबरनाथमधील हे वरिष्ठ खेळाडू आहेत, एका जमान्यामध्ये त्यांनी क्रिकेट अंबरनाथमध्ये रुजवलं होतं, ते सर्व माजी क्रिकेटपटू आज इथे आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत। त्यांचं पुन्हा एकदा क्रांतीवीर क्रीडा मंडळातर्फे हार्दिक स्वागत। उजबीच एक सुंदर शॉट, यहाँ पर दूसरा चौका, अशोक ने भी एक चौका जड़ दिया, इससे पहले विकास ने एक चौका लगाया था, अब अशोक ने चौका लगाया, इंद्रजीत के खेमे में खुशी का माहौल, इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। अशोक के द्वारा एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरा भी रन आसानी से पूरा कर लिया, बेहतरीन थ्रो भी बहुत सुंदर था, स्टंप लाइन में गया, और उतनी अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट अशोक और विकास के बीच, इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18। अभी 21 रनों की जरूरत निर्धारित 10 गेंदों में।
बढ़िया शॉर्ट गेंद और वो थोड़ा ऊपर खेल दिया है, देखना है दो रन तो यकीनन लेंगे। अशोक फिर एक बार शानदार तरीके से दूसरा भी रन पूरा कर लिया, अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट। अगर यही रफ्तार से भी खेलते रहे योगेश तो वो जैसा अभी सुनेश यहाँ से बताया गया है उनके खेमे से कि 23 हो सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अशोक और उनके साथी विकास दोनों ने चौका लगा करके फॉर्म में है और उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। बढ़िया परफॉर्मेंस करना होगा और कर भी रहे हैं अशोक। और इस बार लेग स्टंप में वहां पर फील्डर मौजूद, देखना है दूसरा रन जरूर लेना चाहेंगे। अशोक ने 3 गेंदों में 6 रन बना लिए, शायद इस बार रन आउट हो गए। बहुत बड़ा झटका यहां पर रन आउट के रूप में, अशोक रन आउट हो गए। हालांकि 3 गेंदों का सामना, आखिर की 3 गेंदों में 5 रन बना लिए उन्होंने। तीन गेंदों में आखिर की जो 3 गेंदें खेली अशोक ने, बहुत बेहतरीन तरीके से 5 रन बनाए। उससे पहले चौका भी लगाया था, बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने अपने टीम के लिए। 12 रन बनाए उन्होंने, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, मगर आखिर तक लेकर नहीं चल पाई इनिंग को, रन आउट हो गए। कोशिश ज़रूर कर रहे थे। अब यहाँ पर स्कोर हुआ है 21 रन। अब जीतने के लिए चाहिए यहाँ पर 18 रनों की जरूरत। नामुमकिन कुछ भी नहीं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, खेल और मैदान के बीच का ये जंग। बढ़िया, अच्छा कमबैक किया गेंदबाज सुशील ने, बेहतरीन कमबैक अपनी ओर से। और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज आसिफ, जो कि अति उत्साहित प्लेयर है अपने इंद्रजीत के। बढ़िया शॉट गैप में खेला है, देखना है दो रन तो यकीनन ले ही लेंगे। और अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट, 2 रन पूरा कर लिया। उनका अच्छा साथ दे रहे हैं यहाँ पर विकास। ये हमारे मुरली बॉयज से निवेदन है, थोड़ा सा 6 गेंदों में अब 16 रनों की जरूरत। अगर जीतना है तो कम से कम चौके और छक्कों की जरूरत। बहुत ही बेहतरीन अशोक और विकास जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच को कमबैक किया जा सकता है। दोनों ने ही लगातार 2 चौके जड़ दिए, उसके बाद अशोक ने डबल टिबल्स में रन बनाए। मगर अब अगले गेंदबाज आए हैं सुभाष, जो कि लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज विकास, जिन्होंने एक चौका लगाया था। देखना है विकास क्या कुछ कर पाते हैं। कोशिश जरूर की थी ऊपर, मगर स्लो वन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल लिया सीधा कीपर के दस्तानों में, समझ नहीं पाए क्योंकि अटैकिंग खेलना चाहते हैं। ईगल इलेवन आले असतील तो त्यांनी स्टेज वरती संपर्क साधायचा आहे। और इस बार खूबसूरत ट्राय, जोरदार ताकत, वहां पर फील्डर मौजूद और आसानी से कैच कर लिया वहां पर। भी 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। और इस बार आसिफ ने जोरदार तरीके से खेल दिया है, कैच भी ड्रॉप हुआ, 4 रन देखना है मिल पाते या नहीं, वो भी नहीं मिले, मगर कोशिश जरूर की थी, 2 ही रन मिले। अगर योगेश यही शॉट थोड़ा स्ट्रेट में होता तो यकीनन
छः की ओर कूच करता, मगर आपने पहले भी बताया कि वो जो बाउंड्री लाइन है वो काफ़ी दूर है। आसिफ कोशिश कर रहे हैं, अटैकिंग बल्लेबाज है। अब दो गेंदों में 13 रनों की ज़रूरत है, अगर गेंदबाज कोई रहमो करम कर दे और उसमें एक आध छक्का वक्का लग जाए तो मैच में मैच का रुख बदला जा सकता है। कोशिश जरूर कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिल रही। 15 रनों की जरूरत है एक बॉल में, है ना। SICS के हमारे सिपाही किशन जी यहाँ पर लैब में से आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ऑफ सी क्या हल्की सी बाहर समझ नहीं पाए, और ये इंद्रजीत की यहाँ पर खेल की समाप्ति हुई।